इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर छात्र द्वारा एंटी रैंकिंग कमेटी को की गई शिकायत की जांच दिल्ली में अटक गई है। पूरे मामले की जांच कर रही संयुक्तागंज पुलिस ने बताया कि पुलिस को कॉलेज प्रबंधन पत्रों के जवाब नहीं दे रहा है। पुलिस के मुताबिक मौखिक रूप से प्रबंधन ने दिल्ली से ही जवाब नहीं आने की बात कही है। टीआई तहजीब काजी के मुताबिक एक जूनियर स्टूडेंट ने सीनियर्स के खिलाफ दिल्ली यूजीसी और वहां की एंटी रैंकिंग कमेटी को रैंकिंग को लेकर शिकायत की थी। इंदौर की एंटी रैंकिंग कमेटी इस मामले में केस दर्ज करा चुकी है। मामले में वॉइस रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली थी, लेकिन पुलिस ने उसे पर्याप्त सबूत नहीं माना। इसके बाद एमजीएम कॉलेज मैनेजमेंट को पत्र लिखकर शिकायत करने वाले छात्र का मेल आईडी मांगा गया था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने जिस मेल आईडी से शिकायत दर्ज कराई गई थी उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस कई जूनियर छात्र के बयान भी ले चुकी है, जिसमें से एक छात्र ने रैंकिंग को लेकर कुछ सीनियर्स के नाम पुलिस को बताए थे। सूत्रों की माने तो इस मामले में जांच कर रहे एसआई सत्यजीत को एक जूनियर छात्र ने अपने सीनियर्स के नाम बताते हुए रैंकिंग की बात को सही बताया था। इसकी जानकारी पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन को दी थी। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने जब पुलिस से सीनियर का नाम पूछा तो पुलिस ने नाम उजागर करने से इनकार कर दिया।